हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो अभी एग्जाम हुआ है 22 और 23 तारीख को, उसका आंसर की आ चुका है। और आइए चलिए मैं बताता हूं कि किस तरह से आंसर की आपको चेक करना है। तो यहां देखिए, पहले ऑफिशियल साइट जो है उसे खोल लेते हैं और यहाँ पर एक नोटिस देखिए दिया हुआ है। मैं आपको नोटिस पढ़ के बता देता हूँ कि क्या नोटिस में दिया हुआ है। और यहाँ नोटिस जब तब तक खुलता है तब तक, इसके बाद मैं यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं ऑफिशियल साइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर एंड टू सी कंसर्न आंसर की ऑफ द एग्जाम हेल्ड ऑन डेटेड, ये दिया हुआ है 22 और 23 तारीख के डेट में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि दिनांक 22/12/2018 को आयोजित तो जितने भी परीक्षा हुआ है, प्रथम पाली की 8 सीरीज, द्वितीय पाली की 8 सीरीज, ये सब देखिए सीरीज जो है वो अपलोड कर दिया गया है। आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म भी भरने के लिए, आपको आपत्ति के लिए ऑब्जेक्शन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन गलत होता है तो उस क्वेश्चन को सही कर दिया जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन कर देना है आपको। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही लॉगिन कर दिया है। तो यहाँ देखिए मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये सब देखिए सारे सीरीज का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर और आंसर की दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आंसर की है, ये क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है और ये ऑब्जेक्शन फॉर्म है। तो जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है उसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर जैसे देखना है तो आप क्वेश्चन पेपर वाले पर क्लिक हियर, जो भी सेट आपका होगा उस सेट पर क्लिक हियर करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पेपर यहाँ डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड होने के बाद देखिए खुल कर आता है यहाँ पर। ये देखिए क्वेश्चन पेपर इस तरह से आपका खुलकर आ गया है और आपको जो OMR सीट मिला होगा उससे आप लोग अपने आंसर की पर यहाँ से आंसर की डाउनलोड कर लेंगे। आंसर की यहाँ बगल में दिया हुआ है, जिस सेट का आपका क्वेश्चन पेपर है उसी सेट का आंसर की आपको डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको मिलाना है। तो आंसर की इस तरह से आपका आएगा, आंसर की को आप मिलाइए और मिलाकर अपना नंबर देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ज़रूर बताइएगा कि क्या कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है, तो वो सब ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और लैब टेक्नीसियन वालों के लिए एक खुशखबरी है, बहुत जल्दी ही इंटरव्यू होने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसका किसका लैब टेक्नीसियन का इंटरव्यू है, तो मैं उसके लिए आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी करा दूंगा अभी इससे पहले ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।